फिलहाल हूँ सिलचर रेलवे स्टेशन। तो आज जो है मैं सिलचर से गुवाहाटी जाऊंगा, गुवाहाटी से फिर जो है प्रयाग का ट्रेन पकड़ूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल मैं प्रयाग वापस जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं सिलचर का स्टेशन का स्टेशन कुछ इस तरीके का है, देख सकते हैं। जा रहे हैं कामाख्या स्टेशन, ये अभी जो नेक्स्ट ट्रेन है कामाख्या से है वो आधी पहुँच गए थे। अभी गाड़ी है जाएंगे कामाख्या स्टेशन और कामाख्या स्टेशन से हम जाएंगे अभी प्रयागराज पे जाएंगे। देख सकते हैं गाइस, गुवाहाटी में बहुत ज़्यादा बोल रहा है, बहुत ज़्यादा महंगा ट्रैफिक चारों तरफ जो है, ट्रैफिक लगता होता है इतना सुबह सुबह भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ये देख सकते हैं गाइस महंगा ट्रैफिक, सुबह सुबह गुवाहाटी में गाइस देख सकते हैं। अभी जो है मैं पहुंच चुका हूँ कामाख्या स्टेशन। ये कामाख्या स्टेशन का फ्रंट कुछ इस तरीके का है, देख सकते हैं। गाइस आप देख सकते हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी जो असम का सबसे बड़ा नदी है, और कुछ दिन पहले बार में ये जो है अपना फुल पावर दिखाया था। आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। गाइस मैं पहुंच गया था नलबाड़ी डिस्ट्रिक्ट, ये नलबाड़ी डिस्ट्रिक्ट यहाँ के पावर में थोड़ी देर लेटा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ एक जो है मतलब अपना जो है भारतीय सेना का जो मूवमेंट साइड चल रहा है, तो उनका जो है सामान जो है ट्रेन में लगा हुआ है, ये आपको दिखाते हैं। है जाते हुए लम्हों जरा ठहरो जरा ठहरो, जरा ठहरो मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ। जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलूँ तो चलूँ तो चलूँ तो चलूँ तो चलूँ तो चलूँ तो चलूं तो चलूं तो चलूं तो चलूं। ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो जरा ठहरो,
भाई हम पहुंच चुके हैं न्यू अलीपुर द्वार। ठीक है, और यहाँ पे स्टॉपेज टाइम बहुत कम है, बस रुका ही था थोड़ी देर के लिए और यहाँ से जो चलने लग गया। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं इलाहाबाद जंक्शन और बाहर आके मोटो भी ले लिए अभी अपना जगह पे जाने के लिए। ये देख सकते हैं इलाहाबाद जंक्शन और यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी इलाहाबाद प्रयाग जंक्शन से हम निकल चुके हैं, मोटो कर लिए यहाँ से। ट्रैफिक लगेगा कितना टाइम लगेगा पता नहीं है। तो भाई हम सिविल लाइन जो है एंटर कर चुके हैं, सिविल लाइन एंटर कर चुके हैं। ठीक है, और अभी दिखाते हैं आपको सिविल लाइन, देख सकते हैं गाइस सिविल लाइन। करम जिसे पुकारे वो पहुंचे गंगा किनारे, न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंदा, पलट के फिर नानी बोली बात और बहता पानी, न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंदा। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर जो पास तेरे वही तेरा,
बाकी सब मोह का फेरा, तू क्यों समझ ना पाया, तन मिट्टी है मन माया। अगवा चोला तन पे जो तू ओढ़े, हर चोला तो जाएगा पीछे छोड़े। मन पावन हो गंगा में डूब नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे गंगे गंगे, हर हर गंगे 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 हर गंगे हर गंगे गंगे। गंगा जी में अभी पानी बहुत ज्यादा है, इस वजह से बीच में जो पेड़ पौधा वगैरह आ रहा है, ये पूरा खुला एरिया रहता था, खेत टाइप का रहता था, ये सब जो है डूब रखा है। शायद बरसात वरसात बहुत ज्यादा हुआ है, जैसे गंगा जी का पानी जो है लगभग इस जगह पे जो है खत्म होता है, ये सब खुला रहता है, बहुत ज्यादा पानी। तो गंगा जी का पानी यहाँ तक जो है आ रखा है, देख सकते हैं। जब अभी बहुत जगह फसल हो गया तो हम आते हैं, देख सकते हैं। वाले ब्लॉग में भी आपको आप लोग देखे होंगे, तो देख रहे हैं ना। गाइस फाइनली पहुंच गया मैं घर, और जो है काफी हालत खराब था गर्मी के वजह से। और गाइस ये अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।